जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम चलेंगे लोसल। लोसल में एक सिरियादे माता का बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी नींव पूजन आज होगी। लगभग 11:15 बजे का टाइमिंग है और अपने को वहाँ जाने में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। अपने उस प्रोग्राम में कुमाऊं समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर दुल्लेपुरा जी और संरक्षक शिव भगवान जी साड़ीवाल सिक्कर और भी अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अभी तो, और आगे के वीडियो में दिखाएंगे कैसा क्या है प्रोग्राम, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जहाँ भूमि पूजन हो रहा है। ये देखो इधर ये प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। ये देखो ये इधर भूमि पूजन हो रहा है। ये देखो ये इधर अपने कुमाऊं समाज के अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं। ये हैं अपने कुमाऊं समाज के अध्यक्ष। इधर मंच वगैरह लगाया गया है। ये देखिए किशोर जी दुल्लेपुरा वो भी आए और समाज को हमें गाइडेंस दे, दो बातें हमें बताए आदरणीय किशोर जी दुल्लेपुरा। लोसल सीकर की तरफ से यहाँ लोसल कस्बे के अंदर एक भव्य श्री श्री आदि माता का मंदिर का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। इसके लिए पूरी समिति और लोसल के समाज बंधुओं को मेरी तरफ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई प्रेषित करता हूं कि आप सब लोगों ने सियादे माता जी के मंदिर का जो बीड़ा आपने आज उठाया है, ये जल्द ही मंदिर का निर्माण शुरू होकर ये पूरा हो और यहां कई दिन से समिति के पदाधिकारियों से समाज के लोगों से बातचीत हो रही थी और पिछले कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से आप सब लोगों का जो सपना था, प्रयास था, वो रुक गया था। आपने सोच रखी थी कि मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन कोरोना की वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ पाया और आज
इस मंदिर की जो भूमि पूजन का कार्यक्रम रहा है, ये एक शुभ संकेत है। आने वाले वक्त पर एक बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। और समाज बंधुओं से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जगह जगह बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, विशेषकर कुमार समाज के लोग बैठे हैं, तो उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज की कुल देवी आराध्य देवी का सीकर जिले में बहुत सा मंदिर जो धन्यवाद श्री भगवान जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे राजस्थान में महापुर सहित और श्री राधे माता का जो इतिहास और इनका जो इतिहास रहा वो जन जन तक पहुंचाया, समाज तक पहुंचाया। और यहाँ हमारे शेखावाटी के अंदर श्री राधे माता को लोग जानते नहीं थे, उन्होंने पहले श्री राधे पूजन यात्रा के नाम से पूरे राजस्थान में यात्रा निकाली, विशेषकर शेखावाटी में यात्रा निकाली। और उसके बाद से लगातार शेखावाटी अंचल में श्री राधे माता को कुमार प्रजापति समाज के लोग गांव गांव में जानने लगे, पूजने लगे। और सीकर में उन्होंने एक सपना देखा था कि सीकर में भव्य श्री राधे माता का मंदिर बने। वो मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, मंदिर बनकर तैयार हो, उसका निर्माण और भी चल रहा है, लेकिन मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद हमारे खंडेला में भी श्री राधे माता का मंदिर बन गया। इसके बाद चढ़ा जो है नीम का थाना क्षेत्र में, वहां मंदिर बन गया। अभी पालड़ी जो सीकर के पास में गाँव है, वहां भी मंदिर का काम चल रहा है श्री राधे माता का, वहां भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और आज यहाँ आपने नींव लगाई है, तो सभी समाज बंधु इस धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने माता जी का जो मंदिर का जो बीड़ा उठाया था, आज उसकी शुरुआत आप लोगों ने की है। और समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें आर्थिक सहयोग करें। कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रहा है तो वो शारीरिक सहयोग करे, समय दे, जिस भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं इस मंदिर निर्माण में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और जितने और भी आपके संपर्क में जो लोग हैं उन बाबासाहों से इस समिति को सहयोग करवाएं। ये समिति ईमानदार है, कई दिनों से पिछले कई सालों से काम करते हैं, काफी समाज के कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं, हर सामाजिक कार्यों के अंदर इनका सहयोग रहता है। सामाजिक महापुरुष और श्री राधे माता के बारे में श्री भगवान जी पूरी जानकारी आपको देंगे। समय का भी अभाव है, कार्यक्रम पहले भी काफी समय से लेट चल रहा है। धन्यवाद आप सब लोगों ने मुझे सुना, खुश रहिए। कुमार महासभा राजस्थान से आप इतने दूर से करके हमारे बीच में पधारे, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसी कड़ी में आगे के लिए कुमार महासभा के संरक्षण हमारे सीकर लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी रह चुके बड़े भाई साहब शिव भगवान जी साढ़ीवाल, पूरे कुमार समाज का नाम पूरे राजस्थान में सराहने वाले, कुमार समाज पूरे राजस्थान में कुमार समाज में अलग जगाने वाले हमारे बड़े भाई साहब शिव भगवान जी साढ़ीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए और हमें अनुग्रह करें, हमें प्रेरणा दे, हमें बताए। हम युवाओं को हम सब युवाओं के आदर्श शिव भगवान जी साढ़ीवाल आमंत्रित है, आइए और दोस्त हमें बताइए। श्री राधे माते की दक्ष प्रजापति महाराज की, संत गोरा तुम्हारे की, संत सर्वज्ञ तुम्हारे की, संत रांका पांका तुम्हारे की, कुम्हार समाज के महापुरुषों की। आज श्री श्री राधे सेवा समिति लोसल द्वारा भक्त शिरोमणि प्रकृति रक्षक और जीव दयालु माँ श्री राधे के भव्य मंदिर निर्माण में भूमि पूजन समारोह में पधारे सभी समाज बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय रत्नप्पा। बड़ा हर्ष का विषय है कि भगवान राम जी की पूजा करते थे, बालाजी महाराज भी जिनकी पूजा करते थे, और बहुत से जो देवता पैदा हुए, जो देवता और जो भक्त उनकी पूजा करते थे, उस माँ श्री राधे का यहाँ लोकल में मंदिर निर्माण का आज शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर हम वास्तव में
कुम्हार पुत्र है, कुम्हार सपूत है, और जिस धरती पर हमने इस कुल में जन्म लिया है उस माता जी के मंदिर का आज भूमिपूजन हुआ है। आप सभी को सुबह उठ से ही ये महिलाएं जो पुरुष हो, हम शुरुआत में सभी से मोबाइल पर घंटी बजे या कोई भी किससे बात करे तो आज सबसे पहले प्रण लेना पड़ेगा। हम भोल जाते सबसे पहले क्या कहेंगे, जय श्री राधे। क्या बोलेंगे हम, जय श्री राधे। अगर वास्तव में हम हमारी कुल देवी को मानते हैं, ये नहीं कि आप 11,000 21,000 आपों का हर धर्म के लोग हर वर्ग के लोग अपने अपने महापुरुषों को याद करते हैं, और हमारी जो गति बिगड़ने का जो कारण था, हमारे पिछड़ने का कारण था, वो कारण क्या था, हमने हमारे बाप को बाप कहना स्वीकार नहीं किया, हमने हमारे बाप को बाप कहना स्वीकार नहीं किया, न हमने हमारे माता जी को माता जी कहना स्वीकार किया। जिन्होंने छोड़ दिया उनको मान लें। इसलिए कुमार आज के धरती पर सबसे पिछड़ा समाज है। आज माता जी की बड़ी कृपा हो रही है, तो सबसे पहले आप सबसे श्रिया दे माता का मंत्र आप बैठे बैठे जहां बैठे वहां आप बोलिए। श्री श्रिया दे नमः, श्री श्रिया दे नमः, माँ श्रिया दे का हम सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को बालाजी की पूजा करते हैं, और बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, पर गुरुवार को किसकी पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार जी की, गुरुवार जी की, और शुक्रवार को फिर संतोषी माता की पूजा करते हैं, और शनिवार को श्री बालाजी का नंबर आ गया, और रविवार को सूर्य भगवान का नंबर आ गया नंबर, बालाजी का नंबर दो बार आ गया। लेकिन गुरुवार जो है बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, और पूरे भारत में पूरे विश्व में जो गुरु भक्ति की जो परंपरा चली है, उस गुरु भक्ति की भक्त शिरोमणि माँ श्रिया दे थी, तो माँ श्रिया दे का वार क्या है, गुरुवार। एक माँ श्रिया दे की जयंती आती है माघ शुद्ध दूज, इस पर आएगी 23 जनवरी को। माघ शुद्ध दूज को खास तौर से वो परिवार मिट्टी के बर्तन मनाते हैं, उनको मिट्टी के बर्तन नहीं बनाने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मिट्टी का बर्तन नहीं बनाना चाहिए। और हर घर में माघ शुद्ध दूध को जिस प्रकार हम दीपावली पे चावल बनाते हैं, वैसे आपको मीठा पकवान अपने घर में बनाना चाहिए। हम हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को और बच्चियों को कम से कम समाज के इतिहास के बारे में बताएं, माँ श्रीदेव के बारे में बताएं। कुमार गुजारी बनावा ये घोषणा नहीं करो, सब बच्चे पूजा करते हैं, मैं तो यही पूजा कर रही हूँ।